से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा ना ले। तो कैसे हो बंटा की पब्लिक, तो आप सब ने डिस भी सुन लिया, मैं हवा में हूँ सॉन्ग भी सुन लिया, अब सबको वेट है एमवे बंटा के बजिस ईपी का। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि एमवे बंटा की बजिस ईपी बहुत ही जल्द आने वाली है, जिसको लेकर उन्होंने 4-5 दिन पहले अपने इंस्टाग्राम पर अपना ओल्ड हेयर कट करवा कर जो फोटो पोस्ट करी थी उसके कैप्शन में लिखा था कि बजिस सीजन। सो अभी एक बार फिर से एमवे बंटा ने बजिस ईपी का हिंट देते हुए कुछ और फोटो पोस्ट करी है, जिसके कैप्शन में उन्होंने ड्रम की इमोजी यूज करी है और उन्होंने अपने पिछले पोस्ट में भी इस इमोजी को यूज करा था। सो इसे देखकर लग रहा है कि बजिस ईपी अब भाई बहुत ही जल्द आने वाली है। और आप सबको याद भी होगा कि अभी जो एमवे बंटा मनिंदर भुट्टर के साथ लास्ट इंस्टाग्राम लाइव आए थे, जिसमें उन्होंने बोला था कि बजिस ईपी की अनाउंसमेंट करने वो इंस्टाग्राम पर लाइव आएंगे। बाकी पब्लिक देखते हैं कि एमवे बंटा कब तक लाइव आते हैं। बाकी पब्लिक बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो मैं हवा में हूँ सॉन्ग ने यूट्यूब पर ऑलमोस्ट 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट कर लिया है। सो पब्लिक अभी इस गाने को भाई और भी ग्रो करने की जरूरत है। सो पब्लिक अभी ऐसे इस गाने को सुनते रहो और फैलाते रहो। बाकी इंस्टाग्राम रील सेक्शन में तो ये गाना भाई फट चुका है। सो अभी इस सॉन्ग पर भाई 1.5 लाख से भी ज्यादा रील्स बन चुके हैं। खैर पब्लिक बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, तो कल मैंने आप सबको इंदीप बख्शी का एक इंटरव्यू दिखाया था, जिसमें उन्होंने एमवे बंटा यो पाजी की बात करी थी और मैंने आप सबको ये भी बताया था कि उनके काफी सारे सॉन्ग को जान ने चोरी करा है और उनको क्रेडिट भी नहीं दिया है। सो अभी उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्निपिट शेयर करा है, जिसमें उन्होंने जियान भाई को डिस कर रखा है। सो आप लोग इस डिस को सुन लो। मैं तुझको लाया, गाना भी मैंने बनाया, पैसा लगाया, मेरे ही गानों को बेच के बॉलीवुड में मुझ पे ही केस लगाया। इस तल्ले ने सब मिलके बोलो ये चोर है, ये चोर है, इट्स योर बॉय। खैर बंटा की पब्लिक इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ और मिलता हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में। और पब्लिक आप सभी लोग बजिस ईपी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो जब तक के लिए बाय बाय।